हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग है ना बहुपद पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे ना, बहुपद पर कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे बहुपद को जांच करने के लिए सीखे थे, बहुपद का घात कैसे लिखा जाता है ये सीखे थे, बहुपद का पद है ना कैसे गिना जाता है ये सीखे थे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे जरूर से जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों घंटा बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने चैनल पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों है ना, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बहुपद के लिए संकेत, सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, है ना, सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद को हम लोग है ना कौन से संकेत से सूचित करते हैं, या बहुपद को हम लोग है ना कौन से संकेत से सूचित कर सकते हैं, है ना। हर एक चीज का संकेत होता है ना, हर एक चीज का क्या होता है संकेत होता है। जैसे हम लोग वन लिखते हैं तो ये वन का संकेत हो गया, हम लोग ए बोलते हैं तो ये ए का संकेत हो गया, तो ये सब सिंबल हो गया। तो उसी प्रकार से बहुपद का भी कोई एक संकेत होता है ना, बहुपद का भी कोई एक सिंबल होता है। तो इसको डिनोट किससे करेंगे, है ना, बहुपद को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो बहुपद को हम लोग है ना बहुपद को हम लोग पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स है ना जी एक्स है ना इत्यादि से सूचित किया जाता है, है ना। बहुपद को हम लोग पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स है ना इत्यादि से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा है ना। तो आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं, है ना, आप लोग अपने नोट कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों है ना, आप लोग लिख सकते हैं कि बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स कोमा आर एक्स कोमा जी एक्स इटीसी है ना से सूचित किया जाता है ना, बहुपद को पी एक्स कोमा क्यू एक्स कोमा आर एक्स कोमा जी एक्स इत्यादि से सूचित किया जाता है ना, इत्यादि से सूचित किया जाता है। बहुपद को हम लोग पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जी एक्स इत्यादि से सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगला टॉपिक की ओर, है ना, अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो बच्चों है ना हमारा अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप, है ना, बहुपद का मानक रूप, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप किसे कहेंगे, है ना, बहुपद का मानक रूप किसे कहेंगे, है ना, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, है ना, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है ना, ये आज के वीडियो में हम लोग को है ना देखना है। ठीक है, तो समझिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, बहुपद का मानक रूप क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर फोर प्लस एक्स प्लस वन, ये कोई बहुपद है ना, ये कोई क्या है बहुपद है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुपद में चर x का पावर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यहाँ चर x का पावर दो है, यहाँ चर x का पावर तीन है, यहाँ चर x का पावर चार है, यहाँ चर x का पावर एक है ना एक है। अगर इसको हम है ना इसके पावर के आधार पर, इसके पावर के आधार पर इसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देते हैं, है ना, इसके पावर के आधार पर क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देते हैं। देखिए तो क्या होगा, तो हो जाएगा x पावर फोर, ठीक है, प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि इस बहुपद को हम क्या किए, चर x के पावर के घटते क्रम में, है ना, चर x के पावर के अनुसार घटते क्रम में सजा दिए, है ना, चर x के पावर के अनुसार घटते क्रम में क्या किए सजा दिए, है ना।
तो इसी बहुपद को क्या बोलेंगे हम लोग, मानक रूप। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मानक रूप। किसका मानक रूप, तो इस बहुपद का मानक रूप हो गया ये ना, इस बहुपद का मानक रूप ये हो गया है ना। किसी भी बहुपद को है ना, किसी भी बहुपद को उसके चर x के ना, चर x के, चर कुछ भी हो सकता है, अगर हम चर x लिए हैं तो x होगा, चर x के है ना पावर के आधार पर उस बहुपद के पद को है ना, उस बहुपद के पद को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं है ना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो वही सजावट है ना, वही सजावट क्या कहलाता है, पहले वाले बहुपद का मानक रूप। क्या कहलाता है, पहले वाले बहुपद का मानक रूप है ना। जब किसी बहुपद को है ना, जब किसी बहुपद को उसके चर के पावर के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में है ना, उसके चर के पावर के अनुसार उसके पद को है ना, उसके चर के पावर के अनुसार उसके पद को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं है ना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो जो बहुपद मिलता है सजाने के बाद है ना, जो बहुपद सजाने के बाद मिलता है उस बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले वाले बहुपद का मानक रूप। क्या बोलते हैं, पहले वाले बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन यही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चों है ना, आप लोग का डिफिनेशन हो जाएगा क्या, किसी बहुपद के पद को है ना, किसी बहुपद के पद को उसके चर x के घात के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं है ना। किसी बहुपद के पद को उसके चर x के घात के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं है ना, उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप लोग देखिए ना, एग्जाम्पल ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई बहुपद पी एक्स है और ये दिया हुआ है आपका एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर दस प्लस एक्स पावर नौ प्लस एक्स प्लस वन, ये कोई बहुपद है। तो देखिए पी एक्स का मानक रूप क्या होगा, पी एक्स का मानक रूप है ना, पी एक्स का मानक रूप क्या होगा, देखिए क्या करेंगे इस बहुपद को हम लोग है ना, इसके घात के आधार पर है ना क्या करेंगे ना, बहुपद पी एक्स के पद को है ना, बहुपद पी एक्स के पद को उसके घात के आधार पर है ना, उसके घात के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देंगे है ना, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देंगे तो वही क्या कहलाएगा, बहुपद px का मानक रूप। क्या कहलाएगा, बहुपद px का मानक रूप। तो देखिए ध्यान से जाते हैं, तो पहले सबसे बड़ा पावर कौन है, किस पद में सबसे बड़ा पावर है ना, किस पद में सबसे बड़ा पावर है, तो x पे पावर 10 है तो पहले लिख देंगे x पे पावर 10 फिर प्लस, इसके बाद इसके बाद इससे छोटा कौन है, तो x पे पावर 9 तो लिख देंगे x पे पावर 9, इसके बाद इससे छोटा कौन है, इससे छोटा तो x पे पावर 5 तो x पर नहीं तो x पे पावर 5 लिख दिए, इसके बाद इससे छोटा कौन है तो x पे पावर 4, उसके बाद इससे छोटा कौन है नहीं इससे छोटा कौन है तो x, उसके बाद कितना 1, कितना है 1, तो ये कहलाएगा है ना, ये कहलाएगा इसका मानक रूप, ये कहलाएगा इसका मानक रूप। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो बच्चों है ना हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है ना, बहुपद के प्रकार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है ना, बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो पहले आप लोग ये जान लीजिए ना, बहुपद को दो तरह से बांटा गया है ना, बहुपद को दो तरह से बांटा गया है, एक बांटा गया है उसके पद के आधार पर है ना, एक बांटा गया है उसके पद के आधार पर और एक बांटा गया है उसके घात के आधार पर है ना, एक बांटा गया है उसके पावर के आधार पर है ना, मतलब
एक बार बांटा गया है उसको उसके पद के आधार पर, और एक बार बांटा गया है उसको उसके पावर के आधार पर, है ना, घात के आधार पर। ठीक है, तो बहुपद को जो है ना दो तरह से बांटा गया है ना, बहुपद को दो तरह से बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को दो तरह से बांटा गया है। ठीक है, कितने तरह से? दो तरह से बांटा गया है ना। बच्चों है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के, है ना, बहुपद के पद के आधार पर, है ना, बहुपद के पद के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है ना, बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बच्चों है ना, बहुपद को पद के आधार पर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। उसको हम लोग चाहेंगे तो बहुत सारा वर्ग में बांट सकते हैं, है ना, बहुत सारा वर्ग में बांट सकते हैं। जैसे कि जिसमें एक पद रहेगा तो होगा एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पदी रहेगा उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, जिसमें चार पद रहेगा उसको बोलेंगे चतुर्थपदी बहुपद। तो इसमें हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये कितने प्रकार का हो सकता है, बस हम लोग कुछ टाइप्स इसका पढ़ सकते हैं, है ना, कुछ टाइप्स इसका पढ़ सकते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं, है ना, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है हमारा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, क्या है पहला हमारा, एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी बहुपद। तो बस इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है। बस जिस बहुपद में एक पद रहेगा, जिस बहुपद में क्या रहेगा, एक पद, उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, या एक पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, है ना, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, है ना। तो जिस बहुपद में एक पद रहेगा, है ना, जिस बहुपद में एक पद रहेगा उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक पदी बहुपद का परिभाषा, है ना, एक पदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, एक पदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनोमियल, क्या कहते हैं, मोनो, है ना, मोनोमियल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, क्या बोले थे, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, है ना, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, है ना, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, क्या है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, है ना, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, देखिए इसमें एक पद है, कितना पद है, एक पद, देखिए इस बहुपद में एक पद है, 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 तो सब में एक पद है, तो क्या कहलाएगा ये, एक पदी बहुपद, क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। हाँ, अगर बच्चों अगर आप लोग को ये दे दे, है ना, चार, बोलेगा बताइए चार कौन पदी बहुपद है, तो बोलेंगे ये एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी कितना पद है, एक पद, है ना, ये भी अंक, है ना, कोई भी संख्या जो होता है वो भी बहुपद होता है, ना, वो भी बहुपद होता है, तो ये भी बहुपद है, तो कितना, एक पदी बहुपद है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दो नंबर जानते हैं, है ना, नंबर दो जानते हैं। तो बच्चों हमारा दूसरा है ना, हमारा दूसरा है द्विपद बहुपद, है ना, क्या है, द्विपद बहुपद, यानी बायनोमियल, है ना, द्विपद बहुपद, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायनोमियल, है ना, द्विपद बहुपद क्या बोलेंगे, बायनोमियल, है ना, द्विपद बहुपद बायनोमियल। तो इसका भी डिफिनेशन इसके नाम में है ना, इसका भी डिफिनेशन क्या है, इसके नाम में है। कैसे, क्या नाम है, द्विपद बहुपद, मतलब जिस बहुपद में दो पद रहेगा, है ना, जिस बहुपद में कितना पद रहेगा, दो पद, जिस बहुपद में दो पद रहेगा उसको बोलेंगे द्विपद बहुपद, क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। तो नाम में ही इसका डिफिनेशन है, तो इसलिए इसका परिभाषा होगा दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं, है ना, दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं, क्या ना है, दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं, है ना, दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। तो देख सकते हैं इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल में देखिए कितना पद है इसमें, दो पद, एक दो, कितना पद है इसमें, दो पद, एक दो, कितना पद है इसमें, दो पद, एक दो, कितना पद है इसमें, दो पद, एक दो,
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, द्विपद बहुपद। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर की ओर, है ना, तीसरा नंबर की ओर। बच्चों हमारा तीसरा नंबर है ना, हमारा तीसरा नंबर है त्रिपद बहुपद, है ना, त्रिपद बहुपद यानी ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल, है ना, ट्राई क्या है, ट्राइनोमियल। तो इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है ना, इसके भी नाम में ही इसका डिफिनेशन है ना, इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है। क्या है? त्रिपद बहुपद, मतलब जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में कितना पद हो, तीन पद हो, है ना, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, है ना, त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, है ना, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। क्या है? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं, है ना, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं, है ना। डिफिनेशन क्या होगा? तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। तो इसका आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल, देखिए इसमें तीन पद है, एक दो तीन, देखिए इसमें तीन पद है, एक दो तीन, देखिए तीन पद है, एक दो तीन, इसमें देखिए तीन पद है, एक दो तीन, है ना, तीन पद। तो तीन पद वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिसमें एक पद रहेगा एकपदी बहुपद, जिसमें दो पद रहेगा द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद रहेगा त्रिपदी बहुपद, जिसमें चार पद रहेगा चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है, तो मतलब जितना पद रहेगा उतना हम बोलते जाएंगे। इसलिए हम आप लोग को शुरू में बोले थे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते कि कितने प्रकार का हो सकता है। मतलब जितना जितना बहुपद में पद रहेगा, है ना, जितना बहुपद में पद रहेगा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, जितना बहुपद में पद रहेगा उसके पद के आधार पर ही उसका नाम रखा जाएगा, है ना, उसके पद के आधार पर ही उसका नाम रखा जाएगा, उसके पद के आधार पर ही उसका नाम रखा जाएगा। जैसे एक पद था तो एक पद ही बोले, दो पद था द्विपद ही बोले, तीन पद है तो त्रिपद ही बोले, चार पद रहेगा तो चतुर्थपदी बोलेंगे। तो जितना पद रहेगा उसके संख्या के आधार पर उसका नाम बोलेंगे, या सभी को हम लोग बोल सकते हैं, सभी को बोलेंगे बहुपद। और एक पद भी है तो बहुपद बोलेंगे, दो पद भी है तो बहुपद बोलेंगे, तीन पद भी है तो बहुपद बोलेंगे, चार पद भी है तो बहुपद ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद। बहुपद मतलब वह बहुत सारा पद। ठीक है, तो बहुपद। ठीक है, तो बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कल हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में, है ना, पावर के आधार पर बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है इसके आधार पे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।